अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कैरिसेफ पे, और कैरिसेफ कैप्सूल्स हैं, ये 5 कैप्सूल्स होते हैं, और इसके बारे में बहुत तफसीलन बात करने वाला हूँ। और इसको लास्ट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। देखिए, बिला वजह मेडिसिन कोई भी इस्तेमाल ना किए करें, जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो। मैंने पहले बोला कि मेरे क्लिप में देसी चीज़ें भी हैं और मेडिकल से भी है, तो वो आप चेक करके उसको उसी तरह इस्तेमाल किया करें, ठीक है? तो देखें, ये चीज़ें कुछ चीज़ें अवॉइड के लिए होती हैं। अवॉइड के लिए आप इसका सबसे पहले वो लिटरेचर पढ़ लिया करें। इसमें एक लिटरेचर होता है, ठीक है? आप इसको आराम से खोलें और इसकी तादाद पढ़ लिया करें। और दूसरे नंबर पे आपको ये चाहिए कि जब तादाद इसकी पढ़ लें, उसके बाद इसको इस्तेमाल किया करें, ठीक है? तो जब आपको ये देखें, इस पर लिखा हुआ कैरिसेफ, ये कैप्सूल भी होता है और सिरप भी होता है बच्चों के लिए, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, कैप्सूल, टैबलेट, सस्पेंशन, ठीक है? ये आपको सब कुछ इसमें प्रोवाइड कर देगा, जो जो भी चीज़ होगी इसमें आप चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये चेक कर लें, ये ज़रा इसमें हर चीज़ इन्होंने बड़े आराम तरीके से जो है ना वो इस्तेमाल करने का तरीका बताया हुआ, ठीक है? अच्छा, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कैरिसेफ है, ये बेसिकली एंटी, जो जैसे कि आपको चेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है और खांसी का मसला हो जाता है, गला ख़राब रहता है, और बुखार जैसे कि टाइफाइड, और आपको IgM बुखार चल रहा है, आपको टाइफाइड और का मसला चल रहा है, तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? बेसिकली हम तो वैसे आजकल तो कल्चर ही करवा रहे हैं, टाइफाइड और कम ही होता है, क्योंकि कल्चर में क्लियर पता चल जाता है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम चल रही हो, गले का मसला हो, जैसे कि चेस्ट प्रॉब्लम हो, एंटीबायोटिक है ये, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक तो ये फ़ायदा है कि आपको इतनी जल्दी इससे घबराहट नहीं होगी, कोई मसला नहीं हुआ। बाकी आजकल आप किसी को बुखार हो तो घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। इसकी एज जो भी बच्चा हो, उसकी 18 साल से ज़्यादा एज हो, वो 200 mg इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम 200 mg इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़े हों तो वो 400 mg एक रोज़ाना इस्तेमाल करना है, सही है? उसके बाद इसमें 5 कैप्सूल होते हैं, लेकिन इसमें 4 हैं। ये मैंने चेक कर रहा था पहले भी, क्योंकि 4 थे इसमें, इसमें है 5 होते हैं। देखिए इसकी कटिंग हुई भी है, तो इसमें देखें, इसमें सब कुछ ऊपर लिखा हुआ, ये स्फिक्सियम फार्मूला है, ठीक है? और स्फिक्सियम में कोई भी मेडिसिन आप चेक कर लिया करेंगे, ये लोकल है या ओरिजिनल है। कोशिश किया करें कि आप मल्टीनेशनल लिया करें मेडिसिन, क्योंकि लोकल में थोड़ा सा बस का साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, लेकिन स्फिक्सियम फार्मूला एक बहुत अच्छा फार्मूला है। जब इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको चेस्ट प्रॉब्लम नहीं, खांसी का मसला नहीं जा रहा, बड़ी सारी वजूहत बनी हुई हैं, तो आप इसको रूटीन से इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे सबसे पहले इसकी एक्सपायरी डेट देख लिया करें, ये कब से बनी है ये भी चेक कर लिया करें, ठीक है? इसका GTN नंबर जो है होता है, होता है बैच नंबर ऊपर होता है, वो चेक कर लिया करें, इसकी प्राइस चेक कर लिया करें। तो काइंडली इसको आप जब भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? ये बेसिकली चेस्ट, गला, गले का मसला हो, चेस्ट प्रॉब्लम हो, बुखार का मसला हो, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों मर्ज़ में ये काम आएगी, ठीक है? तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को मेडिसिन के बारे में नहीं पता, वो काइंडली मेरी वीडियो सर्च करते रहा करें। मैं ऐसा ऐसा थोड़े क्लिप बता देता हूँ ये कि किस चीज़ के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है। ये एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवल होती है, बहुत फ़ायदा देती है। आप कोशिश किया करें एज के हिसाब से इस्तेमाल करें। 18 साल से ऊपर वाले लोग 400 mg वाले इस्तेमाल कर लें, एक भी दो भी चल जाता है, 200 चल जाए वो भी चल जाता है। अगर 16 साल का वो 200 mg इस्तेमाल करें, वन कैप्सूल डेली, इंशाल्लाह वो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आई होप मेरे इस क्लिप का आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।